हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से अपने डेल ऑप्टिलेक्स 3080 डेस्कटॉप में किस तरीके से रैम अपग्रेड कर सकते हैं, एसएसडी अपग्रेड कर सकते हैं और क्या क्या पार्ट्स लगेंगे इसमें, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोग को मदरबोर्ड का व्यूज दिखाऊंगा, किस तरीके से मदरबोर्ड दिखता है, इसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड लगेगा, पीसीआई स्लॉट है वो आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से ओपन होता है। ये देखिए, दो स्क्रू है, दो स्क्रू ओपन, ऐसा ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐसा पीछे साइड से थोड़ा पुश करेंगे पीछे साइड, और उसके बाद ये ऐसा ऊपर का प्लेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैनुअल दिया हुआ है, आप लोग मैनुअल देख सकते हैं किस तरीके से क्या आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, अभी अंदर का व्यू इस तरीके से दिख रहा है। पीसीआई स्लॉट 2 दिया हुआ है, पीसीआई स्लॉट 1 दिया हुआ है, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग ग्राफिक कार्ड यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं इसमें, और इसमें M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं जो 2280 वाली डायमेंशन की रहेगी। यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो एक लगा दिया हूँ, बहुत सारे ऐसा रहता है कि एक्सटर्नल आपको कुछ केसिंग लगाना पड़ता है या और कुछ लगाना पड़ता है सपोर्ट के लिए अलग अलग डेस्कटॉप में, तो इस तरीके से इसमें नहीं है। अगर NVMe SSD आप लोग परचेस करके लेके आते हैं तो इस तरीके से आप लोग इसमें फिक्स कर सकते हैं मदरबोर्ड पे ही, और आप लोग को स्क्रू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई नॉर्मल स्क्रू भी लगा सकते हैं। देखिए, ये भी जुगाड़ करके स्क्रू लगा हुआ है, इसका फिक्स जो स्क्रू आता है वो नहीं है। और यहाँ पे आप लोग वाईफाई कार्ड लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे M.2 एक स्लॉट दिया हुआ है वाईफाई कार्ड के लिए, और यहाँ पे एक NVMe स्लॉट दिया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे आप लोग SATA DVD राइटर लगा सकते हैं, जो भी इसमें ऑप्शनल है DVD राइटर लगाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग 3.5 SATA SSD भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें कनेक्शन दिया हुआ है, आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। आप लोग को कोई पावर अलग से पावर लाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पावर केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कनेक्टर दिया हुआ है। और इसमें दो आप लोग को बता दें, दो रैम लगेगा इसमें, जो कि 3200 MHz वाली रैम रहेगी, और इसमें जो अपग्रेड करेंगे रैम तो दो ही स्लॉट दिया हुआ है, लेकिन आप लोग 32 GB का दो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 GB का दो लगा के रखा हूँ, जो है DDR4 3200 MHz वाली रैम है, तो आप लोग 3200 MHz वाली रैम लगाएंगे DDR4, और यहाँ पे दो स्लॉट है, आप लोग 32 करके 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं रैम। और इसमें M.2 NVMe जो SSD है उसको मैक्सिमम आप लोग 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें जो आप लोग हार्ड ड्राइव लगाएंगे जो रहेगा 2.35 हार्ड ड्राइव जो रहेगा वो आप लोग 4 TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप लोग का डेस्कटॉप आउट ऑफ वारंटी हो गया है, तो आप लोग का अगर ये आप लोग का SMPS अगर डेड हो गया है, तो आप लोग इस तरीके से ला सकते हैं। और ये देखिए, मदरबोर्ड का व्यू है, ये आप लोग यहाँ पे PCIe स्लॉट में आप लोग ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं किस तरीके से लगेगा, और इसका व्यू और भी दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए, सीमोस बैटरी, बहुत सारे में ऐसा होता है कि वायर वाला रहता है, लेकिन इसमें वो सीमोस बैटरी ऐसे ही है जो एक बटन पे, इसमें एक ऑप्शनल एक VGA पोर्ट लगा हुआ है, VGA पोर्ट जो लगा हुआ है, तो आप लोग ये देख सकते हैं ऑप्शनल है, और भी कोई लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे VGA पोर्ट दिया हुआ है, ये ऑप्शनल पे लगा हुआ है, क्योंकि इसमें पोर्ट था नहीं, ये अलग से लगाया गया है। और ये देखिए, यहाँ पे इसका कनेक्शन है VGA पोर्ट का, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग 3.5 SATA हार्ड ड्राइव अगर लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं, अगर आपको DVD राइटर लगाना है तो भी लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शनल दिया हुआ है, और अलग से आप लोग को वायर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे डेस्कटॉप में ऐसे आते हैं कि SATA ये पावर केबल नहीं रहता है या डेटा केबल नहीं रहता है, तो आप लोग को यहाँ पे दो SATA डेटा केबल मिल जाता है, आप लोग 3.5 या 2.5 SATA हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, कुछ इस तरीके का है। और अगर आपका ये वायर में प्रॉब्लम आ गया है, जैसे कि आपके डेस्कटॉप में SATA हार्ड ड्राइव लगा हुआ है,
3.5 SATA हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग मंगा सकते हैं वायर। ये देखिए कुछ इस तरीके का है, ये देखिए इसमें 8 पिन का ये पावर केबल है, SATA पावर केबल है, जिससे हार्ड ड्राइव को पावर जाता है, SSD को पावर जाता है। कौन सा SSD? ये NVMe का पावर नहीं, ये 2.5 SATA SSD के लिए, 3.5 SATA हार्ड ड्राइव के लिए पावर के लिए काम करता है। ये अलग से वायर लगता है, जैसे कि आप लोग का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।